लिए फिर अटक गया इसकी मात। यहाँ इंडिया दो दिन से जीत नहीं पा रहे। Hey, what's up everyone? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरा नाम है किलर वाइटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ और मैं बात कर रहा हूँ रॉकी एंड आरडीएक्स के बारे में। जब रॉकी भाई NG2 का मैच पाकिस्तान के प्लेयर के साथ करा रहे थे, इस पर कुछ लोग रिएक्ट कर रहे थे कि NG1 के प्लेयर के साथ इन पाकिस्तानियों का मैच कराओ। इस पर आरडीएक्स भाई का क्या एंग्री वाला रिएक्शन रहा आप ही देख लो। बकवास नहीं, चुप करके देखोगे। यहाँ इंडिया दो दिन से जीत नहीं पा रहे और तुम लोगों को भाई ये करो वो करो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, जो आए उनको तो चीयर नहीं करोगे भाई। NG1 से करवाओ इनका, क्यों NG2 को खेलना नहीं, एक मिनट, NG2 को खेलना नहीं आता, NG2 टीम नहीं है, हैं? एक तरफा हराता है, NG1 को बुलाओ ये इम्बोर्ट। अरे सर तो NG2 कब खेलेगी, हर वक्त NG1 ही खेलती रहेगी, एक ही एक टीम खेलेगी तो बाकियों को कब चांस मिलेगा। तो मान लो राइस्टार होएगा ना, तुम बोलोगे नहीं NG को हटाओ राइस्टार को खेलाओ, ये तो कोई बात नहीं होती, ये नहीं वो नहीं, ये यही चलता रहता है हमारे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्टोरी। अनग्रेजुएट गेमर हमारे UGIUS भाई, वो लाइव पर ही गैरेना के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका गेम को बार बार रिस्टार्ट करने के बाद भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तब उनका क्या रिएक्शन था उसे देखो। फिर अटक गया इसकी माँ की, जे अटके जा रहा है, अटके जा रहा है, तेरी भैंस की पूछ, क्या करूंगा इसका बे। चलो गाइस लास्ट ट्राई ब्लू स्टैक्स में, अगर इसमें भी अटका तो आज की स्ट्रीम नहीं होगी गाइस, ठीक है, मजाक से अटके आज की स्ट्रीम नहीं होगी गाइस, इसमें भी अटका ना नहीं करूंगा आज स्ट्रीम भाई, आते मूड खराब कर दिया चूतियों ने भाई ना, हैकर हटाए जाते ना कुछ किया जाता, पैनल यूजर भरे पड़े हैं, लेकिन इसी वालों की उंगली करते रहो टाइम टू टाइम भाई। ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आएंगे तो मेरा आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया होगा गाइस, सबसे ज्यादा टकने वाला बना होगा या नहीं यार बताओ आप लोग। भाई यार दो मिनट एक सेकंड पर अटका है, भयंकर गर्म वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार दो तो बढ़ते हैं नई स्टोरी की तरफ। अगर आप एक पुराने प्लेयर हो तो अल्फा फ्री फायर को तो जानते होंगे, नए प्लेयर तो उसे शायद ही जानते होंगे क्योंकि अल्फा भाई ने एक साल पहले फ्री फायर को छोड़ दिया था और उन्होंने फ्री फायर को छोड़ने का रीजन भी बताया। अल्फा भाई ने बताया कि उनके राइट हैंड में पेन हो रहा था जिसके कारण वह कुछ भी गेम नहीं खेल पा रहे थे। शायद अल्फा भाई फ्री फायर को भी मिस कर रहे हैं जिसके कारण अदर गेम के साथ फ्री फायर को भी जल्द ही खेल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्टोरी 2B Gamer के साथ। प्रैंक के चलते 2B Gamer इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अपना कीबोर्ड तक तोड़ दिया। नहीं हो रहा ना तो खुद ही देख लो। क्या कर रहे हो, कुछ तोड़ दिया क्या तुमने? गेम ही नहीं खेल रहे ना गाइस, मतलब अरे गुस्सा में तो नहीं ऐसे आते है ब्रो लाइट में ऐसे। वही तो भाई वॉल के ऊपर चढ़ करके आ रहे थे भाई। अबे गुस्सा मत करो, कोई ना दूसरा गेम खेलो। कीबोर्ड टूट गया ब्रो, वहां पे हैं, यहां पे कीबोर्ड ही तो कुछ जांच, कीबोर्ड तोड़ दिया। तो गाइस चूबे अभी लाइव है, तो गाइस आप लोग की बोल रहा मास ले से क्या हुआ, चूबे क्या हुआ मुझे, ओए ले पे क्यों तोड़ दिया कीबोर्ड एंड हेडफोन तेरे को क्या भाई, ऐसे कौन गुस्सा करता है यार लिटरली भाई, तूने देखा नहीं क्या? तो क्या हुआ, छोड़ो ना, लाइव में ऐसे बंदे तो आते रहते हैं। छोड़ो यार क्यों गुस्सा हो रहे हो, दूसरा मोस्ट बेन हुई गेम ही तो है। मुझे ऐसे बंदे को कसम से भाई मत खिलाए, ऐसे काम नहीं है कीबोर्ड शीबोर्ड। अभी गुस्सा में हो तो ना पता है वो ट्यूबे जो ओपोनेंट है ना, मेरे को पता है वो कौन है। कौन है वो ना मैं हूँ एक सूरज है यू बन यू अरे आपके साथ प्रैंक हो रहा था यार बता ये सारा प्लान इसका था, ये हमारे मास्टर माइंड, ये से कीबोर्ड से काम ही नहीं है ना, ये से कीबोर्ड क्या करूं मैं भाई साला। दोस्तों ये गेम गेम नहीं खेलना है भाई, छोड़। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो 2B भाई के चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।